सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सबको जगाकर जाएगा। आज की वीडियो होने वाली है कैफीन के ऊपर। कैफीन के ऊपर वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था हमारे आसपास, भले वो आईटी सेक्टर हो, हम स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, हैक्टिक लाइफ है, बिजी लाइफ है और बिजी लाइफ के अंदर हमें चाहिए एनर्जी। और वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आज के टाइम पे जो इनटेक किया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर वो है कॉफी। तो कॉफी के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आज हम बात करेंगे कॉफी की, कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री की, कैसे ओरिजिन हुआ उसका, थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं उसके साइंस की और थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं उसके इफेक्ट्स की। कॉफी की जो हिस्ट्री है वो अलग अलग काफ़ी जगह मैंने डिफरेंट डिफरेंट पढ़ी, बट मोस्ट ऑफ दी जगह जो मैंने एक स्टोरी पढ़ी है वो ये है कि एक हर्ट्समैन था साउथ अफ्रीकन देश के अंदर, या फिर हर्ट्समैन बोलना, फिर कोई फार्मर बोल दो, उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो बकरियां हैं वो कुछ छोटी छोटी बेरीज खाने के बाद, लाल कलर की वो बेरीज थी, उनको खाने के बाद वो एकदम एनर्जेटिक हो चुकी हैं। उन्होंने ये बात नोटिस की और जैसे उन्होंने नोटिस किया फिर उन्होंने वो बेरीज को थोड़ा बहुत खुद कंज्यूम किया और थोड़ा एनर्जी उनको फील हुई। अब उस एनर्जी जो उनको फील हुई थी, अब वो एग्जैक्ट नहीं जानते थे ये एक्चुअल में चीज क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने वो बेरीज दिखाई मॉन्क्स को और वहां के जो मॉन्क्स थे उन्होंने इसको बेकार का प्रोडक्ट बोलकर आग में फेंक दिया। जैसे उसे आग में फेंका गया तो पूरा का पूरा जो भी वहां आसपास कमरा था वो खुशबू से महकने लगा। तब किसी मॉन्क ने उसको गर्म पानी के अंदर डाला, उबाला और देन उसको कंज्यूम किया, उसको पिया, तो उसको थोड़ी और एनर्जी फील हुई, उसको थोड़ा एक डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट माइंडसेट फील हुआ। तब वहां से शुरुआत हुई थी कॉफी की। फिर वहां से कॉफी इस्लामिक देशों के अंदर आई, अफ्रीकन से, फिर इस्लामिक से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमने लगी। डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन है डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज के अकॉर्डिंग। कहीं एक ये भी था कि गर्म पानी का एक प्याला पड़ा हुआ था, एशियन कोई एक ट्रैवलर था और उसके अंदर कुछ पत्ते गिर गए, वहां से कॉफी का इजाद हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, बात यह है कि जो कॉफी हम अभी आज के टाइम में जो पी रहे हैं, दी थर्ड मोस्ट लिक्विड जो कि आज बेचा जा रहा है, आज जो कंज्यूम किया जा रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहां उस टाइम पर इस एनर्जी को देखते हुए कॉफी हाउसेज बनाए गए थे। कॉफी हाउसेज फॉर द रिलैक्समेंट, ताकि लोग वहां पर आके रिलैक्स कर सके। कॉफी हाउसेज फॉर द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जिसके अंदर डिबेट्स आ सकते हैं या फिर कुछ सीरियस कन्वर्जेशन आ सकते हैं किसी भी चीजों से रिलेटेड। बट इस्लाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे अल्कोहल है वो ऐसा पदार्थ है जिसको बैन किया जाना चाहिए, अब ये भी जो था वो एक ऐसा बाहर का सब्सटेंस था जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर कुछ केमिकली चेंजेस लेके आ रहा है, तो इसको बेकार माना गया और उसके बाद उसे भी बैन कर दिया गया। बट फिर धीरे 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 ईरानियन आए और उन्होंने कल्चर चेंज किया और उसके बाद कॉफी जो है वो फैलने लग गई। खैर ये भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे तो ये जो इसकी ओरिजिन था वो लगभग 1550 BC का था, और पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी जो हमने हर्ट्समैन की स्टोरी की वो 1000 BC के आसपास थी, तो 100th century के आसपास। अब बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर चर्चा हुई या नहीं हुई, इसकी स्टोरीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं इसके कुछ साइंटिफिक इफेक्ट्स की, या फिर बीइंग अ स्टूडेंट हमें ये कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी कॉफी की, मतलब कैफीन, कैफीन हमें चाय से भी मिलता है, कैफीन हमें कॉफी से भी मिलता है, बट ये जो कैफीन है बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो एडिनोसिन से मिलता है। हमारी हमारे माइंड के अंदर होते हैं एडिनोसिन रिसेप्टर। लाइक मैं एक ताला ले लूं, एक चाबी ले लूं, दिस ताला इज एडिनोसिन रिसेप्टर एंड दिस चाबी इज एडिनोसिन। अब ये जो ताला है और ये जो चाबी है, ये इस ताले में एडिनोसिन जाने वाला है और एडिनोसिन रिसेप्टर्स इस एडिनोसिन को अट्रैक्ट करेंगे। कब? जब हम बॉडी से कुछ काम करेंगे या फिर अपने दिमाग से कुछ काम करने वाले हैं, और फिर जैसे ही वो लॉक हो जाएगा, उस लॉक के बाद हम थोड़ा सा टायर्ड फील करेंगे, थोड़ा लेजी फील करेंगे, थोड़ी थकान फील करेंगे। अब वहां से शुरुआत होती है कॉफी की, क्योंकि कॉफी का जो स्ट्रक्चर है वो इस एडिनोसिन स्ट्रक्चर के बिल्कुल सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। बट अब ये जो कॉफी है ये इस एडिनोसिन की जगह इस एडिनोसिन रिसेप्टर में अपनी जगह ले लेता है, या फिर मैं ताले को किसी मिट्टी से भर देता हूं तो अब ये वाली चाबी जो है इस ताले को नहीं खोल पाएगी। सेम वही काम होता है इसका, कैफीन इस एडिनोसिन रिसेप्टर्स पर जाता है और लॉक लगा देता है और एडिनोसिन वहां पर जाकर चिपक ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें टायर्ड फील नहीं होता, या फिर हम ये बोल दें कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं।
इसलिए सबसे ज्यादा कंजप्शन आज के टाइम पे की जा रही है, रात को दिन को पढ़ रहे हैं हम लोग बार बार पढ़ते हैं और बार बार थकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जितना सोचता है उतनी ज्यादा हमारी बॉडी की हालात होते ही चले जाते हैं, फिर हम एक कॉफी कंज्यूम करते हैं दोबारा पढ़ने बैठ जाते हैं। लॉन्ग रन के अंदर कॉफी इतनी एडिक्टिव नहीं मानी जाती, बट इन केस ऑफ द एडिक्टिवनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर मैं डेली कॉफी कंज्यूम कर रहा हूं, ऐसा माना जाता है ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर मैं एक कप कॉफी पी रहा हूं और एक कप कॉफी के अंदर लगभग 100 mg ऑफ कैफीन होता है, एक कप कॉफी के अंदर 100 mg ऑफ कैफीन होता है, और 100 mg कैफीन को पचने के लिए या फिर हमारी बॉडी में वो जो कैफीन है लगभग 6 घंटे तक रहता है, 6 घंटे के बाद भी उसकी आधी मात्रा मतलब 50% 100 mg अगर मैंने कंज्यूम किया तो 50 mg मेरी बॉडी के अंदर रहने वाला है। वो मींस अगर मैं रात को 8 बजे इसको अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहा हूं तो वो लगभग 2 बजे तक मेरी बॉडी के अंदर रहेगा, क्योंकि अब ये एडेनोसिन रिसेप्टर के साथ में जाके चिपक चुका तो मैं रिलैक्स फील नहीं कर सकता, तो एक तरफ मेरी स्लीप टूट जाएगी जिससे मैं थोड़ा सा पढ़ पाऊंगा। और डेली 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 ऐसा करने से हमारी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाती है, और जितना रेगुलर इंटेक मैं कर रहा होता हूं एक दिन के अंदर, अगर मैं एक हफ्ते तक वो कर लेता हूं तो एक हफ्ते के बाद मुझे उसका इंटेक बढ़ाना पड़ता है। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप ये कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि कुछ टाइम के बाद आपको थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए होगी, मोर एनर्जी। जिम वर्कआउट के दौरान हम देखते हैं कि जिम से पहले प्री वर्कआउट एज अ कॉफी यूज किया जाता है, क्योंकि अगेन कॉफी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देती है। बट डेली कंजप्शन से मेरे अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो और कैफीन की डिमांड करने लग जाते हैं कि और कैफीन जो है मुझे मिले, क्योंकि जितने ज्यादा हम थकेंगे उतने ही ज्यादा एडेनोसिन रिसेप्टर्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, और जितने ज्यादा एडेनोसिन रिसेप्टर्स उतने ज्यादा मुझे कैफीन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एक बात यह भी है कि अगर मैं इन रिसेप्टर्स जितने ज्यादा रिसेप्टर बढ़ रहे हैं और बकायदा मुझे ये लगाओ कि एक दिन किस दिन कैफीन नहीं मिला, एक आज का दिन है मैंने कैफीन की शुरुआत ही नहीं की थी, इस दिन मेरा एक कॉफी से काम बन गया था, बट अब एडेनोसिन रिसेप्टर्स बढ़ चुके हैं, उसकी तादाद बढ़ चुकी है, क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो अब जब मैं छोड़ चुका हूं कॉफी तो उसके बाद मुझे उतना टायर्ड फील नहीं होगा जितना पहले दिन हो रहा था, बट अब उससे ज्यादा टायर्ड फील होने वाला है। तो ये करीब इन एडेनोसिन रिसेप्टर्स की जो क्वांटिटी है उसके बढ़ने के बाद मेरे पूरे बॉडी शेड्यूल को और मेरे पूरे माइंड शेड्यूल को बेकार कर देता है। तो बींग योर ब्रदर, मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप कॉफी पी भी रहे हैं तो पहली बात 2 दिन में एक दिन का गैप जरूर लें, एक दिन का गैप, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ, और आपकी हेल्थ में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी स्लीप का। तो आपकी स्लीप साइकिल, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए आपको कैफीन थोड़ा सा कम कंज्यूम करना होगा। ऐसा ना हो कि आप दिन के अंदर 2-2, 3-3 कॉफी पी रहे हो और एक टाइम ऐसा है आप जब कॉफी नहीं पियोगे तो शायद से आपकी बॉडी वाइब्रेट या फिर शिवरिंग करना शुरू कर दे, हेडेक आ जाए, आपको वोमिट्स आनी शुरू हो जाए। वोमिट्स जनरली केसेस में नहीं देखा जाता, बट ओवर टायर्डनेस या फिर हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी बातें देखी जाती है, क्योंकि कॉफी हमारे ब्लड रेगुलेशन या फिर हमारी हार्ट बीट एकदम से बढ़ा देती है। तो अगर मैं कॉफी नहीं पीऊंगा तो मैं स्ट्रेस्ड फील करूंगा, मैं हाइपोटेंशन फील करूंगा, मैं एंग्जाइटी फील करूंगा अपनी बॉडी के अंदर कि वो क्रिएट हो रही है। सो बीइंग अ स्टूडेंट, आपको अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना या फिर उस पढ़ाई से कुछ अचीव करना नहीं है, ये बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो जो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो आपकी हेल्थ होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि आप जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे दिमाग का और हमारे हेल्थ का हमारी सक्सेस से, हमारी पढ़ाई से डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना अच्छा आप सोच पाओगे उतना ज्यादा आप काम कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनल लेवल होता है, एड्रेनल रशेस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आती है, से मैं बोल दूं आपको कोई पिन चुभो दी गई
और उस पिन से एकदम से खून निकल रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर है ना फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको, तो आपकी बॉडी के अंदर एकदम से दर्द महसूस होगा कि इसको रोको, इस खून को रोको, इस क्लोट को बंद करो, यहां पर क्लोट बनाओ। और जिससे अब ये बात करने के लिए मेरा हाइपरटेंशन एकदम से बढ़ जाती है। तो यही काम कैफीन करता है, मेरी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा देता है एकदम से। बट अगर मैं इसका कंज्यूम नहीं करूंगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जो मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। जब मुझे उतना कैफीन प्रोवाइड होगा तभी वो एक्टिविटी खुद जाके कंप्लीट होने वाली है। तो इतनी सी बातों का ध्यान रखना है कि जितना कैफीन आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो उतना ही आपको काम करना है या फिर अपनी स्लीप पे ध्यान रखना है। दो दिन में एक बार या तीन दिन में एक बार रेगुलर इसको नहीं लेना है, और अपने इंटेक पे ध्यान देना है कि दिन में एक कॉफी पी ली, और एक कॉफी के अंदर भी सिर्फ एक कॉफी, मींस अगर मैंने जैसे बोला कि 100 मिलीग्राम कैफीन एक कॉफी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस 100 मिलीग्राम कैफीन को पचने के लिए 50 ग्राम, इसकी जो हाफ लाइफ होती है 50% होती है, 50% का मतलब आधी कॉफी आपके पेट में फिर भी रह जाएगी 6 घंटे के बाद। तो इस बात को ध्यान रखना है और उतना कंज्यूम करना है जितना वो अच्छा हो। लाइक शुगर, शुगर को इंटेक बिल्कुल ही नहीं करना है। शुगर एंड सॉल्ट, व्हाइट सब्सटेंसेस, आप इसको इंटेक कर सकते हो बट उतना कर सकते हो जितने में आपकी बॉडी हेल्दी फील करे। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपनी डाइट के अंदर आप इतना ही कैफीन ऐड करें, रेगुलर बेसिस पे ना करें बट उतना जरूर करें जितनी बॉडी से आपको कुछ एनर्जी मिल जाए। उसके अलावा आप थोड़ा सा सेलुलोज अपनी बॉडी के अंदर डालें, स्टार्च अपनी बॉडी के अंदर डालें या फिर फाइबर अपनी बॉडी के अंदर डालें, जिससे कि आपके जो फर्दर जो हायर मेटाबॉलिज्म लेवल है, हायर भी बहुत बेकार होते हैं और बहुत लोअर भी बेकार होते हैं, व्हाट इज दी मेंटेन्ड, तो वहां तक आप पहुंच पाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही जानने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।